गोरखपुर जिले में रविवार को 848 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 419 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 328 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अन्य थाना क्षेत्र में 101 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 65 एवं 61 वर्षीय दो महिलाओं, 100 बेडेड टीवी हॉस्पिटल में एक 90 वर्षीय पुरुष, प्राइवेट अस्पताल में 35 वर्षीय महिला और जनपद बस्ती में एक 47 वर्षीय महिला की मौत हुई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 42,962 हो गई है। इनमें 455 की मौत हो चुकी है, 33,435 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 9,072 हो गए हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी और लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।